हरे कृष्णा, जय हिंद। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हम लोग कर रहे थे, उसके कंटिन्यूएशन में चलेगा। और चैप्टर नंबर 2 का है, सब आप लोगों को पता ही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब वाला बटन है, वो दबा दीजिए। उसके बगल में एक घंटा वाला बटन बन गया है, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद वो दबा दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो इससे आपका कोई लेक्चर वगैरह मिस नहीं होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है डिसलाइक कीजिए। कमेंट्स अवश्य कीजिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है वगैरह वगैरह। और शेयर अवश्य कीजिए कि सब तक ये वीडियो ये पहुँचे, लेक्चर फ्री का है। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं। तो क्वेश्चन जो हम लोग का है, क्वेश्चन है कि ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विथ एयर एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग फ्लूइड आपका एयर है, ये आगे यूज पड़ेगा इसलिए लिख रहा हूँ एयर। टेम्परेचर इनिशियल क्या दिया है आपका, 28 डिग्री सेल्सियस। अंडर गोज एन एक्सपेंशन प्रोसेस फॉर विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड एज गिवन बिलो, फिर टेबल दिया है। वर्क डन बाई द सिस्टम, तो हम लोग को वर्क पता करना है, यानी डेल डब्ल्यू पता करना है, ठीक है। और एक टेबल दिया है, वो टेबल मैं आप लोग को बना दे रहा हूँ। प्रेशर दिया है यहाँ पे टेबल में ऊपर इन किलो पास्कल, और नीचे जो आपका दिया हुआ है वॉल्यूम दिया है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है। 5 डेटा दिए हुए हैं आप लोगों को, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो इसका जो डेटा है मैं भर देता हूँ, 100, 50, 40, 27, 15, 100, 50, 40, 27, 15 ये है। और इधर दिया 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4। ओहो, ये एक बल्ब गिर गया, ये हमारा बल्ब बिल्डर टूट गया है, इसे मैं निकाल दे रहा हूँ सेफ्टी के लिए। चलिए ठीक है, तो लाइट तो सफिशियंट है, ऐसे कोई कमी है नहीं, ठीक। तो ये दिया हुआ है, अब बोला इसमें वर्क डन पता करना है। तो देखिए वर्क डन आपको पता करने के लिए, पता नहीं है कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस उठा के दे दिया, हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एयर है तो इसे हम लोग पॉलीट्रॉपिक मान के सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलीट्रॉपिक, और पॉलीट्रॉपिक है तो PV^n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 1.4 फॉर एयर। यहाँ पे हम लोग इसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को इसका वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू PIVI माइनस PFVF अपॉन n माइनस 1। तो हम लोग कौन सा वैल्यू रखेंगे, इनिशियल क्या है 1 है, फाइनल क्या है 5 नंबर है, तो हम लोग इसमें रखेंगे आपका P1V1 माइनस P5V5 अपॉन n माइनस 1। और इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करें, P1V1 यानी 100 किलो पास्कल है इंटू 0.1, और ये माइनस 15 इंटू 0.4 अपॉन n कितना आपका 1.4 है, तो यहाँ 1.4 माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सौभाग्य से मैं कैलकुलेटर लाना भूला नहीं हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये तो सीधे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 15 चौके 60, 6 हो गया 6 अपॉन 0.4, ये तो 0.4 अपॉन 0.4 आ रहा है, 4 अपॉन 0.4 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, और ये किलो पास्कल है तो ये पे किलो जूल में आएगा, ठीक है, 10 किलो जूल। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस अप्रोक्सीमेट द स्टीमिंग ऑफ फूड इन ए प्रेशर कुकर, ठीक है। प्रेशर कुकर का केस है, पूछ रहा है कि प्रेशर कुकर जो हम लोग घर में खाना वगैरह बनता है तो कौन से प्रोसेस उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसेंट्रॉपिक यानी एडियाबेटिक या पॉलीट्रॉपिक, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर सॉल्व करेंगे, और क्या, देखिए प्रेशर कुकर की बात कर रहा है,
तो प्रेशर कुकर में पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस हम लोग एज्यूम करेंगे, ये जो घर में कुकर होता है उसकी बात हो रही है। तो प्रेशर कुकर में कौन सा प्रोसेस है, तो हम लोगों को पता है कि प्रेशर कुकर में क्या टेम्परेचर बदलता है, बिल्कुल बदलता है, प्रेशर बदलता है तभी तो उसका नाम प्रेशर कुकर है। पहले आप ढक्कन खोल सकते हैं आराम से, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो खुलता नहीं है, सीटी से निकालना पड़ता है, तो प्रेशर चेंज होता है। पॉलीट्रॉपिक एडियाबेटिक आइसोकोरिक लेंगे इसको हम लोग, यानी आइसोकोरिक यानी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। वॉल्यूम तो उतना ही रहा ना, आपने जितना अमाउंट खाना वगैरह डाला है उसके अंदर उतना ही रहा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है, तो हम लोग उसी को लेके चलेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ए प्रोसेस PDV इज एप्लीकेबल फॉर। तो ये जो हम लोग का वर्क एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PDV, ये किस प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है, ये किस किस के लिए अप्लीकेबल है। तो ऑप्शन दिया है, ए है रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, बी है इ रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, सी है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ओनली, और डी है एनी प्रोसेस। तो हम लोग ने ये किया था, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो PDV वाला इक्वेशन है ये किसके लिए अप्लीकेबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। ठीक है, इसीलिए बोला था ये क्वेश्चंस आएंगे, इससे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ए पैडल व्हील यूज फॉर स्टीयरिंग ए लिक्विड, यहीं पे सॉल्व कर दिया जाए क्या, चलिए मिटा ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पैडल व्हील यूज फॉर स्टीयरिंग ए लिक्विड कंटेन्ड इन ए टैंक सप्लाइड 5000 किलो जूल ऑफ वर्क। तो मतलब कि वर्क सप्लाई किया जा रहा है, तो W क्या हो गया, वर्क सप्लाई करना अच्छी बात है कि शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है, मतलब ये नेगेटिव रहेगा, 5000 किलो जूल ऑफ वर्क ये आपका सप्लाई है, तो ये नेगेटिव माइनस में रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, एंड ड्यूरिंग द स्टीयरिंग ऑपरेशन द टैंक लॉस्ट 1500 किलो जूल टू द सराउंडिंग, तो हीट लॉस हो जा रहा है, हीट वेस्ट हो जाता है, तो हीट वेस्ट अच्छी बात है कि शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है, तो हम लोग हीट लॉस को भी निगेटिव लेंगे। ∆Q कितना है, -1500 किलो जूल है। ठीक है, हीट टू द सन, इफ द टैंक एंड लिक्विड आर कंसिडर्ड एज ए सिस्टम द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें ऐसे ऐसे हो रहा है तो DU कितना होगा पूछा जा रहा है, DU इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग को पता है ∆Q इज इक्वल टू DU प्लस ∆W, ये होता है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, -1500 इज इक्वल टू DU निकालना है हम लोग को, तो वही रहेगा, और ये कितना है -5000, तो हम लोग का इसको इधर लेके आ जाएंगे तो DU की वैल्यू आ जाएगी 3500 किलो जूल। ठीक, ये इसका वैल्यू आ जाएगा, तो बी ऑप्शन दिया है तो हम लोग भी मार देंगे उसमें, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज डिजायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ सर्टेन चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सिस्टम अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। ठीक है, मतलब कि एक सिस्टम है उसमें कुछ चेंज लाना है हम लोगों को, और उसको हम लोग एडियाबेटिक से कर रहे हैं, तो उसके आगे स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं, उन स्टेटमेंट में से सही गलत को चुनना है, तो सही स्टेटमेंट चुनना है। तो ए नंबर दिया है, द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड इज पाथ डिपेंडेंट। तो पहला कह रहा है कि वर्क जो हम लोग को चाहिए वो पाथ डिपेंडेंट, पाथ फंक्शन है। दूसरा कह रहा है, वर्क एलोन कैनॉट ब्रिंग चेंज, कैनॉट ब्रिंग अबाउट सच ए चेंज ऑफ ए स्टेट, वर्क से स्टेट में चेंज नहीं आता, तो ये सही है गलत है। वर्क हम लोग देते हैं तो स्टेट में चेंज ऑब्वियस से आता है, पी में चेंज आता है, वी में चेंज आता है, टी में चेंज आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। थर्ड पे जाते हैं, दी अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब बोल रहा है वर्क पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कभी हो सकता है क्या, वर्क पाथ फंक्शन है और पाथ फंक्शन ही रहेगा, उसमें कभी हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डी नंबर है, मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द पाथ डिपेंडेंस और अदरवाइज द वर्क नीडेड। तो मतलब कह रहा है कि इसमें और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, हाँ है, लेकिन एक कॉमन सा पहला ये ऑप्शन सही है कि वर्क इज़ पार्ट डिपेंडेंट, ये किसी भी केस में वर्क पार्ट डिपेंडेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कि वर्क इज़ पाथ डिपेंडेंट, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऊपर कुछ पूछ रहा है, नीचे कुछ दे रहा है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 किलोग्राम ऑफ स्टीम इन ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस एट 400 किलो पास्कल एंड 175 डिग्री सेल्सियस अंडरगोज ए मैकेनिकली रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन टू ए फाइनल प्रेशर सच दैट द स्टीम बिकम्स जस्ट सैचुरेटेड। व्हाट इज द वर्क W रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हम लोग को मिला है? M मिला है, यानी 2 किलोग्राम, ब्लैक से लिखूंगा मैं गिवन डेटास को। और P इनिशियल क्या दिया हुआ है आपका? P इनिशियल दिया है 400 किलो पास्कल। और उसके बाद आपका T इनिशियल क्या दिया हुआ है आपका? 175 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैकेनिकली रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन ये दिया है। और क्या हुआ आगे? टू ए फाइनल प्रेशर सच दैट द स्टीम बिकम्स जस्ट सैचुरेटेड। व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो हम लोग का वर्क पूछ रहा है और पी सैचुरेशन तक पहुंचा हुआ है, तो ये TDS वाला है एक्चुअली। TDS इक्वेशन इसमें यूज़ होगा और ये आगे पता चलेगा। अभी मैं जैसे जैसे क्वेश्चन समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझ लीजिए। बस फॉर्मूला बस एक छोटा सा चेंज होगा, बाकी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल मैं आपको बताऊँगा। और डेटा क्या दिया हुआ है? टी इनिशियल दिया हुआ है 175, पी 1 दिया हुआ है, वी वॉल्यूम 1 दिया हुआ है 0.503 m³/kg, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है m³/kg, और इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, ये भी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी 2606 kJ/kg, ये भी स्पेसिफिक है, पर किलोग्राम है और स्मॉल यू से है। अगला क्या दिया है? एस दिया है। एस क्या है? एस है एंट्रोपी, आगे सब पता चलेगा। अभी इसमें उठा के दे दिया, इसमें नहीं देना चाहिए था। एस वन दिया है, यू वन दिया है, ठीक है। कितना दिया है आपको? 7.055, ये भी स्पेसिफिक एंट्रोपी दिया है, किलो जूल नहीं, स्पेसिफिक नहीं दिया, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर दिया है, वही टेम्परेचर है, आइसोथर्मल है, तो टी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल होगा, तो टी टू भी कितना आएगा आपका? T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 175 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो गया। और सैचुरेटेड वेपर का जो दिया है आपका, यानी V2 जो दिया है वो आपका है, V2 इज इक्वल टू कितना है? 0.216 m³/kg। तो ये कंप्रेशन है इसलिए वॉल्यूम कम हो जा रहा है, और लिखा भी है। और उसके बाद है उसका U2 और S2 दिया है। U2 कितना है आपका? 2579 kJ/kg, और S2 कितना है? 6.622, S2 इज इक्वल टू 6.622 kJ/kgK। तो हम लोग को वर्क निकालना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग अभी तक किए नहीं है, सब आगे वाले चैप्टर्स में मिलता है, इसमें उठा के पता नहीं क्यों दे दिया है, इनको देना नहीं चाहिए था। देखिए, एक इक्वेशन होता है TDS, DQ इज इक्वल टू TDS या कैपिटल T अगर केल्विन में हुआ तो, कैपिटल TDS, ठीक है, क्योंकि ये हो गया, ठीक है। अब क्योंकि वगैरह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में आगे मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बस एक ये फॉर्मूला है आपको, उससे ज़्यादा अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, जितना होता है उतना ही जानिए अभी। तो DQ हम लोग को निकालना है, तो हम लोग किस DQ निकालेंगे? सबसे पहले तभी ना हम लोग निकालेंगे, क्योंकि DU दिया हुआ है, U2 दिया है, U1 दिया है, वर्क निकालना है, तो हम लोग को पता है ∆Q इज इक्वल टू DU प्लस ∆W, ये निकालना है, ये दिया है, ये पता करना पड़ेगा। तो इसको पता करने का इसमें फॉर्मूला ये दिया आता है। तो आइसोथर्मल केस है तो टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू टेम्परेचर 2, और DS जो आपका है तो यानी 175 है, तो आप इसको केल्विन में चाहे तो बदल सकते हैं। एक मिनट मैं देख लेता हूँ ना केल्विन में बदला है कि नहीं बदला। इन्होंने भी बदला, ठीक है, बदला ही जाएगा, ऐसे भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि आपको हीट निकालना होता है। तो एक होता है Q इज इक्वल टू MC ∆T, तो ∆T में अगर आप मान लीजिए केल्विन में रखिए चाहे डिग्री सेल्सियस में रखिए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उसी में सॉल्व हो जाता है। ∆T नहीं है तो इसलिए हम लोग को केल्विन में लेना पड़ेगा, ∆T होता तो हम लोग कोई भी लेके काम चला लेते। तो कितना होगा? 175 प्लस
273, अब ये हो गया केल्विन में, इंटू एस टू माइनस एस वन। एस टू कितना है? 6.622 किलो जूल है, तो हम लोग अभी किलो वाट में आएगा, किलो जूल में आएगा। 6.622 माइनस 7.055, मतलब नेगेटिव में आएगा, ये छोटे से बड़ा घट रहा है, ठीक है। ये आया, अब ये कितना में आएगा? ये किलो जूल में आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आने वाला है? पहला तो 175 प्लस 273 इंटू 6.622 माइनस 7.055 माइनस 193.984 किलो जूल, क्योंकि हम लोग उसमें लिए हैं किलो जूल, यहाँ पे भी है, ये देखिए यहाँ पे किलो जूल है एस का। तो कितना आ रहा है? माइनस 193.984। इनका कितना आ रहा है? इनका भी यही आ रहा है, माइनस 193.984 किलो जूल। ये क्या है? डेल क्यू, चेंज इन हीट आ रहा है, ठीक, डी क्यू, डेल क्यू, ठीक। अब क्या करना है हम लोग को? सिंपल इसमें रख देना है, डी यू भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। डी यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन, यू टू माइनस यू वन, ठीक है। वो आपका कितना है? किलो जूल पर केजी आएगा, ये स्पेसिफिक हीट आएगा, स्पेसिफिक चेंज इन हीट आएगा। इसका यूनिट देखिए, ये हो गया केल्विन में, तो केल्विन इंटू किलो जूल पर केजी केल्विन, तो केल्विन केल्विन कट गया, तो किलो जूल पर केजी आएगा, ठीक है। ये भी स्पेसिफिक में आ रहा है, तो स्मॉल क्यू से हम लोग इसको दिखाएंगे, तो स्मॉल क्यू कर देते हैं, ठीक है। डेल क्यू स्मॉल क्यू हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया है। और क्या है कि हम लोग यूनिट पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्या है, क्योंकि ये जो यू टू माइनस यू वन है तो किलो जूल पर के जी है, तो अगर हम लोग उसको पर के जी में नहीं कर रहे हैं तो ये भी पर के जी में नहीं होना चाहिए। अगर ये पर के जी में, ये भी पर के जी में होना चाहिए, तब मास का रूल यूज़ करना पड़ेगा, मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। संक्षेप में समझिए इस बात को, तो यू टू माइनस यू वन, तो 2579 किलो जूल पर के जी माइनस 2606, ये कितना आ रहा है आप लोगों का? 2579, 2579 माइनस 2606 माइनस 27 आ रहा है। क्या है ये? माइनस 27 किलो जूल पर केजी, ये डीयू आ रहा है आपका, ठीक है। अब हम लोग को इस इक्वेशन में रखना है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो माइनस 193 माइनस 193.984 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब ये भी पर किलोग्राम में है, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस प्लस 193.984, 166.984। कितना इनका आ रहा है? 166.984, 166.984, ये माइनस में है, यानी वर्क आपका गिवन, इसको देना पड़ रहा। अब देखिए, ये पर किलो जूल पर किलोग्राम में आया है, ये आ रहा है, इसका यूनिट है, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये आ रहा है आपको किलो जूल पर केजी, तो ये स्पेसिफिक वर्क हो गया। इसको हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 kg से, तो डेल डब्ल्यू जो आ जाएगा आपका फाइनल, कैपिटल डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू को ऐसे कर दिया, ठीक है। ये आएगा आपका माइनस 166.984 इंटू 2, तो ये इसका वैल्यू कितना आया है वो हम लोग देख लेते हैं। सब कुछ टूटने वाला है आज। 166.984 इंटू 2, 333.968, 333.968, इनका भी वही आ रहा है और नेगेटिव में ही आ रहा है, तो हम लोग का आंसर सही है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेटर पे हमारे इंक लग गया, ठीक है, उसको मैं बाद में साफ़ करूँगा, पहले बोर्ड साफ़ किया जाए।
क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव के हैं लेकिन बड़े बड़े हैं, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, आपको कंपटीशन में बैठना है तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, बिना तैयारी के कुछ होता नहीं है। बड़ा मुश्किल से मिट रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर एज ए सिस्टम द गैस कंटेंट इन द सिलेंडर एज शोन इन द फिगर बिलो विच इज फिटेड विथ ए पिस्टन ऑन विच ए नंबर ऑफ स्मॉल वेट्स आर प्लेस्ड। द इनिशियल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल एंड द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.04 मीटर क्यूब। द गैस इन द सिलेंडर इज हीटेड एंड द वेट इज टू बी रिमूव्ड एट सच ए नोट दैट द एक्सप्रेशन पीवी टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस। द फाइनल वॉल्यूम इज 0.1 मीटर क्यूब। द वर्क डन बाय द गैस इज। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम जो दिया है ऐसा है, एक पिस्टन हो गया, इसके ऊपर लग गया, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, इसके ऊपर एक वेट रखा है, वेट छोटे छोटे हिस्सों में बटा है, ऐसे ऐसा ही डायग्राम दिया है। ठीक है, वेट है और इसके अंदर गैस है, ये डायग्राम दिया है आपको। इसको हीट किया जाएगा। ठीक, और क्या वैल्यूज़ दी हुई है? इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 इज इक्वल टू 0.04 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपका? द गैस इन द सिलेंडर इज वेट टू बी रिमूव्ड इन सच वे पीवी टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पॉलीट्रॉपिक है, एन हो गया 1.5 एंड द फाइनल वॉल्यूम इज V2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर क्यूब। 0.1 मीटर क्यूब तो आपसे पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा, तो डेल W क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो स्टेप में सॉल्व होगा। देखिए, पीवी टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पॉलीट्रॉपिक का वर्क क्या होता है? वर्क इन पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन N-1। ये होता है आपका, तो हम लोग को P1 पता है, V2 पता है, P1 पता है, P1 भी दिया होगा। P1 आपका 200 किलो पास्कल, P1 इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल, P2 नहीं दिया है, तो P2 के बिना सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग पहले P2 निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए इसको, तो P2 का क्या होगा? सिंस P1 PV टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मतलब कि P1V1 टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू P2V2 टू द पावर 1.5। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे सॉल्व किया जाए आगे, तो P1 कितना है आपका 200 इंटू V1 कितना है आपका 0.04 टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू P2 आपको पता करना है इंटू V2 कितना है 0.1 दिया है इंटू 0.1 टू द पावर 1.5 हो गया। अब इससे हम लोग P2 का वैल्यू निकालेंगे, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.1 टू द पावर 1.5 इंटू 200 50.59। इनका कितना आ रहा है देखा जाए, इनका क्या आ रहा है, इनका आ रहा है 50.59, सेम आ रहा है। P2 इज इक्वल टू 50.59 किलो पास्कल आएगा, सब वही हम लोग लेके चले हैं। ये P2 की वैल्यू आ गई, इसको 2 मान लिए, पुटिंग 2 इन 1, तो हम लोग को W ऑफ पॉलीट्रॉपिक मिल रहा है। P1V1 कितना होगा आपका, यानी 200 इंटू V1 क्या है 0.04 माइनस P2V2, ये ब्रैकेट में डाल लिए, माइनस P2V2, तो P2 कितना है आपका 50.59 V2 कितना है आपका 0.1 अपॉन N-1, N कितना है 1.5 माइनस 1। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर किया जाए तो कितना आ रहा है
इंटू पॉइंट वन 200 × 0.04 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.5, 5.88 आ रहा है। इनका क्या रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका 5.88 किलो जूल, 88 किलो जूल ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4, मतलब सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू 1.4 दिया है एंड डिफरेंस इज 2, तो सीपी माइनस सीवी 2 दिया है। तो ये कैसे हम लोग डिसाइड किए कि सीवी अपॉन सीवी सीपी नहीं होगा और सीवी माइनस सीपी नहीं होगा। हम लोग को पता है कि इन एनी केस फॉर ए गिवन गैस सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। तो अगर ये निगेटिव में वैल्यू नहीं आ रहा है तो आपका मतलब है कि ये सीपी बड़ा वाला ऊपर लिखा हुआ है, तो बड़ा कौन है, सीपी है, और ये वाला वैल्यू भी निगेटिव नहीं आ रहा है, ये पॉइंट में नहीं आ रहा है और ये निगेटिव में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़ा वाले वैल्यू से माइनस किया गया। ठीक है, अब हम लोग को पता क्या करना है, सीपी क्या है पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सीपी। तो देखिए, हम लोग सीपी अपॉन सीवी हो गया 1.4, तो सीपी इज इक्वल टू 1.4 सीवी हो गया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू 2, 1 को उठा के 2 में डाल दिया तो 1.4 सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू 2, तो सीवी इज इक्वल टू आपका आएगा 1.4 माइनस 0.4 2 अपॉन 0.4, 5 आ रहा है। सीवी इज इक्वल टू पॉइंट इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो सीपी क्या होगा, सीपी होगा ये वाला, इसमें डाल दीजिए हम लोग, तो सीपी माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल था। अगला क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और मुझे आज जाना है, शिवरात्रि है कल, महाशिवरात्रि, उसका पूजा हो रहा है गांव में, बहुत भव्य होगा, मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ तो मुझे जाना है। और आप लोग भी शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, शिवरात्रि क्या होती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। हर महीने में 2 त्रयोदशी पड़ती है। ठीक है, जैसे 2 एकादशी होती है वैसे ही 2 त्रयोदशी होती है, 15-15 दिन का कैलेंडर होता है, 15-15 दिन का मिला के 1 महीना बनता है। तो वो त्रयोदशी जो होती है ना, उस त्रयोदशी को कहते हैं शिवरात्रि। ठीक है, कोई भी त्रयोदशी, जैसे एकादशी भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का दिन है, वैसे ही त्रयोदशी जो है आपकी शिव जी का दिन है, शिव जी का उस दिन पूजा पाठ विशेष महत्व रखता है। और जो अभी महीना चल रहा है, शायद फाल्गुन का या माघ का, पता नहीं कौन सा महीना चल रहा है, मेरे हिसाब से दोनों एक ही होता है, उस महीने में कृष्ण पक्ष के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होते हैं, वेनिंग एंड वैक्सिंग फेज ऑफ मून, उसमें जो शिवरात्रि पड़ती है ना, वो महाशिवरात्रि होती है। ठीक है, तो ये आपका आज का ज्ञान हो गया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन लाल रंग का वो दबा दीजिए, उस सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल वाला बटन आइकन बन के रहेगा वो दबा दीजिए, मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए क्यों पसंद है क्यों नहीं है, क्या कमी है क्या ज़्यादा है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि सब तक ये ज्ञान पहुँचे, फ्री का नॉलेज है। और 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर होगा तो मैं लाइव क्लास लूँगा, ऐसे नहीं ले सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद, जय श्री राम।